सबको जय मसीह की। आप फेस लॉर्ड सबका आप सबका आज ही दिन के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन प्रार्थना में स्वागत है। स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज आज की ऑनलाइन प्रार्थना के लिए। आज की ऑनलाइन प्रार्थना के लिए के नाम में यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ लॉर्ड प्रेज़ लॉर्ड प्रेज़ लॉर्ड प्रेज़ लॉर्ड प्रेज़ लॉर्ड जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया 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 जीसस धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड ओ जीसस हालेलुया। मेरे प्रियो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आज की ऑनलाइन प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूँ। अमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और उसके पवित्र नाम की हम आज स्तुति और तारीफ और आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीसस जीसस हालेलुया। आप शेयर करें अपने ग्रुप में कलीसिया के लोगों को अपने कलीसिया के लोगों को ग्रेस सेवर प्रेयर हाउस के लोगों को भी आप शेयर करें कि वो लोग भी हमारे साथ आराधना में जुड़ सकें और जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके नाम की। ओ जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हुए मेरे प्रियो परमेश्वर आत्मा है और जो भी प्रभु के पास आते हैं वो भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया उसकी आराधना करें जीवित परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें। जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया जीसस जीसस हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसके एक पद से लेकर हम 10 पद को पढ़ेंगे। जीसस भजन संहिता 34 अध्याय एक पद से लेकर 10 पद आपके पास बाइबल है निकालकर आप पढ़िए मिलकर पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवासियों को तो घटी होती है पर वे भूखे ही रह जाते हैं परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान है जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रियो भाई बहनों जैसा कि वचन में लिखा है परमेश्वर हर कष्टों से छुड़ाता है। डरे मत भयभीत न हो परमेश्वर कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी परेशानी क्यों ना कोई विपत्ति क्यों ना परमेश्वर आपके साथ है। बिल्कुल भी ना डरे मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर पे आशा लगा के रखे रहें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कुछ भी परेशानी क्यों ना हो आप हर समय परमेश्वर का आदर महिमा करते रहें स्तुति करना ना छोड़ें। बिल्कुल भी उस परेशानी को उस विपत्ति को बीमारी को ना देखें केवल परमेश्वर की स्तुति करते रहें। डरे ना परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। क्या ही मेरे प्रियो खूबसूरत बात जो भजन संहिता में लिखी हुई है 34 अध्याय उसके पहले पद में। मैं हर समय दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमारे आसपास में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो हम जो यहोवा के भक्त हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए आराधक करके नियुक्त कर दिया है वो क्या करें जीवित परमेश्वर की आराधना करें। आमीन हालेलुया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो
चाहे इस समय पर घोर अंधकार की तराई भरी हुई, चाहे कष्टों में हो, चाहे पीड़ा में हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर बोलिए, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे महान लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए प्रभु। आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर, हम बेहतर लोग थे पिता, जो आज का दिन नहीं देख सके पिता। ये आपका प्रेम है हम पे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार और बच्चों में पिता, आपकी ये दया है, आपका अनुग्रह है, आपकी आशीष है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, आपने हमें संभाला पूरे सप्ताह है प्रभु जी, हर बीमारी खतरों से बचाया प्रभु। आज का पिता परमेश्वर दिन दिखाया पिता परमेश्वर की हम सब भाई बहन एकत्रित होके आपके नाम को ऊंच उठा सके, आपके नाम की तारीफ कर सके। और राज्य हम धन्यवाद देते पिता, आत्मा सच्चाई से हम आराधना करें, आपके मार्ग में बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका डर आपका भय माने पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम सब भाई बहन, हम सब शरण दास पिता परमेश्वर, जो आपके पिता परमेश्वर यीशु राजा, मिल के आपके नाम को ऊंचा उठाएं, करें हम भूल जाए उन बीमारियों को, उन तकलीफ को, उन पीड़ाओं को पिता परमेश्वर। केवल तू ही है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर देखने पाए, केवल आपकी ओर पिता, हम पीछे ना देखे पिता परमेश्वर, हम सामने की ओर देखकर चले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि आप हमारी ओर है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आप हमारी मदद सहायता करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता, हाँ प्रभु हम धन्यवाद देते पिता, वो मंदिर पिता पर आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आत्मा से पिता पर भर जाए प्रभु जी, हम जैसे दाऊद प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर झूम झूम की स्तुति करता था पिता परमेश्वर प्रभु, से कुछ नहीं दिखता था तेरे सिवा पिता परमेश्वर। उसी कार प्रभु दाऊद के समान पिता, हम झूम झूम की स्तुति करें, हम ना बीमारी को देखे, ना पीड़ाओं को देखे, ना कष्टों को देखे, क्या हो रहा है, केवल तेरी ओर देखे पिता परमेश्वर, केवल तेरी ओर प्रभु, तू हमारा साथ है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हमें आगे पीछे घेरे रहता है, अपने पनाहों में हमें लिए रहता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राज, हम धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। यीशु पापा हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर हम धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, आप हमारी अगुवाई करें, हाँ प्रभु जी। आराधना के द्वारा लोगों की चंगाई हो, छुटकारा हो पिता, आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आशीष दीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस, इस समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके पवित्र नाम की स्तुति और उसके पवित्र नाम की हम तारीफ करें। हालेलुया, इस समय है आराधना करने का, इस समय है उसके पवित्र नाम की महिमा करने का, इस समय है उसका धन्यवाद करने का, उसकी स्तुति करने का। तो हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। आत्मा और सच्चाई से हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जिस परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना करने के लिए हमको बुलाया है, चुना है। खुदावन हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके पवित्र नाम की हम स्तुति करेंगे। आइए हमें गीत के द्वारा जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग अंग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुद्र को
ओ जिसने दो भागा जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे अंग संग है, जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे अंग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, मटकों में पानी भराया पानी को दाक्रस बनाया हो, मटकों में पानी भराया पानी को दाक्रस बनाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव वो यहोवा हमारे अंग संग है, जिसके लिए सब कुछ है संभव वो यहोवा हमारे अंग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, लाजर को जिसने जिलाया जकई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया जकई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव यहोवा हमारे अंग संग है, हालेलुया, जिसके लिए सब कुछ है संभव वो यहोवा हमारे अंग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, अंधों को जिसने दिखाया लंगड़ों को जिसने चलाया हो, अंधों को जिसने दिखाया लंगड़ों को जिसने चलाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव वो यहोवा हमारे अंग संग है, जिसके लिए सब कुछ है संभव वो यहोवा हमारे अंग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, मुर्दों को जिसने जिलाया पापियों को जिसने बचाया हो, मुर्दों को जिसने जिलाया पापियों को जिसने बचाया, उसके लिए सब कुछ है संभव वो यहोवा हमारे अंग संग है, हालेलुया, उसके लिए सब कुछ है संभव वो यहोवा हमारे अंग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, ओ जीसस हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में,
है शांति प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से राह तो लंबी है साथी तू ही है राह तो लंबी है साथी तू ही है तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा रक्षक तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा सब कुछ है हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से खून बहाया है पाप को धोया है खून बहाया है पाप को धोया है तू ही मेरा दाता तू ही मेरा त्राता तू ही मेरा दाता तू ही मेरा त्राता तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा सब कुछ है हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से उदार मन से हालेलुया हालेलुया ओ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची शांति देने वाला यीशु ही सच्ची दाखलता है यीशु ही है यीशु ही है हालेलुया हालेलुया हम डालियां हैं ओ जो डाली उसमें बनी रहती है वो फल लाती है यीशु मसीह ही सच्चा चरवाहा है यीशु मसीह हमारा प्रभु है यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है यीशु ही हमारा रक्षक है ओ हालेलुया और कोई नहीं है इसलिए उसका धन्यवाद करें उसके नाम को ऊंचा उठाए हालेलुया 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 ये ना सोचे मेरे प्रियो कि हम इकट्ठा नहीं है क्योंकि वचन कहता है जहां दो या तीन हो सकता है आप दो हो तीन हो परमेश्वर आपके मध्य में आपके बीच में उपस्थित है या आप अकेले हो आत्मा में है और परमेश्वर आपके वहां पर भी उपस्थित है आप आराधना में आनंद को महसूस करें आप आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं परमेश्वर आज की सुबह में आज के विश्राम के दिन में आपको शांति से भरेगा आपको शांति से भरेगा थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया आइए हम परमेश्वर की महिमा करें आत्मा और सच्चाई से उसके नाम की हम स्तुति करेंगे ओ जीसस हालेलुया गहरी प्यार से तूने प्यार किया गहरी प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा धन है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई धन है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया हालेलुया हाथ उठाते हुए मैं कभी भूलूंगा नहीं तेरे
साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तू धन है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया हालेलुया साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तू धन है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी महिमा मैं सदा करूं, तेरी आराधना करूंगा, तेरी महिमा मैं सदा करूं, तेरी आराधना करूंगा, तू धन है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया हालेलुया Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला है तू, सारी दुनिया का रखवाला है तू, हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा है तू, मेरे जीवन का सहारा स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से एक साथ कहें, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में
तेरा नाम रहे हे प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति हो, हालेलुया जीसस, ओ राजा तेरी स्तुति हो, ओ प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, तू महान है, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर पिता, तू स्तुति के योग्य है मेरे परमेश्वर, तू आराधना के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, क्योंकि तू आराधना के योग्य है प्रभु, तू स्तुति के योग है प्रभु जी, तू बड़ाई के योग है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु तू बड़े और हम घटे, यीशु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु परमेश्वर आप बढ़े, ओ जीसस हालेलुया, मेरे प्रियो प्रार्थना करें, कहें प्रभु से कि प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं, यीशु यीशु आप बढ़े, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, यीशु आप बढ़े और मैं घटूं, ओ जीसस हालेलुया, आपका राज चाहे प्रभु, जैसा तू चाहता है प्रभु वैसा मुझे बना मेरे परमेश्वर पिता, मैं मन की ना करूं प्रभु, मैं अपने मन की ना करूं प्रभु, पर जो तू कहे जो तू चाहता है वही मैं करने पाऊं, मैं तेरी आवाज को सुनूं प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुनने वाला बन जाऊं, हे प्रभु ऐसा मुझे बना दे, ऐसा प्रभु मुझे बना दे, मेरी प्रार्थना प्रभु शब्दों से ना हो प्रभु, मेरी प्रार्थना आत्मा से भरी हुई हो, मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, ओ प्रभु जितने लोग मेरे साथ प्रभु आज ऑनलाइन में हैं प्रभु, वो सवासीसी थो प्रभु, वो सवासीसी थो मेरे राजा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ओ हालेलुया, तू आत्मा में प्रभु ने भर दे, आत्मा की सामर्थ में, आत्मा के अभिषेक में, ओ प्रभु तेरी वो दुगना अभिषेक, वो दुगना सामर्थ प्रभु उन पर उतरने पाए, उन पर उतरने पाए, और वो तेरी पवित्र रूह पाक से भरने पाए, यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु समर्पण करता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं उस क्रूस को देखने पाऊ, मैं उस पहाड़ देखने पाऊ प्रभु, हाँ प्रभु तूने वायदा किया है प्रभु जी, ओ प्यारे परमेश्वर पिता, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलने का प्रभु तूने वायदा किया है प्रभु, मैं तुझे अपना सुख का मूल जानू प्रभु, मैं तुझे अपना प्रभु जानू प्रभु, मैं तुझे अपना स्वामी जानू, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ पिता जितने भी लोग प्रभु आज हैं आए हैं प्रभु, कोई भी पिता परमेश्वर खाली न जाने पाए, हर एक जन प्रभु भर कर आत्मा से जाने पाए, ओ प्रभु तेरे चंगाई तेरे छुटकारे को लेकर जाने पाए, यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, महिमा और आदर पिता हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन, जीसस हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया, मेरे प्रियो आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की, आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसे हम अपने सर के ऊपर लें और अपने राइट हैंड में उठाएं पवित्र शास्त्र वचन को और प्रार्थना करें और कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, प्यारे परमेश्वर आपका जीवित कलाम वचन मेरे जीवन को बदलता है, आपका वचन प्रभु मुझे पढ़ता है, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मेरी जिंदगी को बदलता है, प्रभु मेरे जीवन को आपका वचन बदलने पाए, प्रभु आपका वचन प्रभु जी मेरे अंदर की सब प्रकार की गंदगी को बुराई को पाप को बीमारी को निकाल कर बाहर करे मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन प्राण को और आत्मा को बेहाल कर देता है, हाँ मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के द्वारा, आज मेरे आज जब मैं आपके वचन को सुनता हूँ तो मुझे सुनने वाला और चलने वाला बना दे परमेश्वर,
पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद पिता उनके लिए जो आज वचन को प्रभु आप आदर करते हैं प्रभु जी, जो वचन को ठट्टों में नहीं उड़ाते हैं पिता और वचन को जीते हैं मेरे परमेश्वर, उन पर प्रभु तेरी आशीष होने पाए, उन पर तेरी आशीष होने पाए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारी प्रार्थना और हमारी विनतियों को सुनने वाले प्रभु और आशीष को देने वाले परमेश्वर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बाइबल से निकालेंगे याकूब और उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय निकालेंगे नए नियम में, और उसके 2 और 3 पद। हालेलुया, याकूब 4:2-3 पद में मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा, जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, बहुत से लोग मेरे प्रियो प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, तो आज हम वो प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, किस लिए नहीं मिलता है, मांगते हैं पर मिलता नहीं है, क्यों, कारण क्या है, तो आज हम इस संदेश के द्वारा, आज के वचन के द्वारा उन बातों को जानेंगे, क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, क्या कारण है चंगाई नहीं मिलती, क्या कारण है हम स्वस्थ नहीं हो पाते, क्या कारण है, आज उन कारणों को अपने जीवन में ढूंढें और दूर करें। हालेलुया, यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 4 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाहे करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इस तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं कि इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब इसी का 13 और 18 पद को हम थोड़ा सा गौर करेंगे, 13 और 18 पद, 13 से 18 लिखा है, तुम जो यह कहते हो आज काल आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन क्या ही है, तो भाप के समान हो, तो थोड़ा थोड़ी देर दिखाई देती है और लोप हो जाती है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहें और यह या वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है वह नहीं करता, इसलिए वह पाप है। हालेलुया, हम 13 से 17 में ये बातों को देखते हैं, तो आज मैं इसके बारे में बताना चाहूं आपको, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनता है। देखेंगे हम, किसी ने कहा कि प्रार्थना अंतिम पड़ाव नहीं है, प्रार्थना प्रथम और आधारभूत बात है, प्रार्थना मेरे प्रियो जिंदगी का पहला स्थान है, जिस दिन मनुष्य प्रार्थना को प्रथम स्थान देना आरंभ कर देता है, प्रार्थना को प्राथमिकता देना आरंभ कर देता है, प्रार्थना हमारे मसीह जीवन की बुनियाद है। अक्सर हमारे जीवनों में होता है कि प्रार्थना अंतिम अंत में करते हैं, अंतिम पड़ाव होती है, अपने आपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिश करते हैं, हम अपने अपने जीवन को बनाने के लिए कई बेहतर क्या करते हैं, कोशिशों में लगे रहते हैं। हो सकता है हम क्या करते हैं, लोन लेकर कुछ खरीदना चाहें, बीमार होने पर कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को पास जाके कंसल्ट कर सकें, वास्तव में जिन बातों की आपको आवश्यकता है, क्या सच्चे मन से उन बातों को
परमेश्वर से मांगा है, यदि हम देख पाते हैं कि हमारा मांगने का तरीका गलत है, परमेश्वर हमारी प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे स्थान पर होता है, प्रार्थना हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। इसलिए याकूब कहता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम क्या है, मांगते नहीं हो। हालेलुया। इसलिए हमें देखना है परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के संबंध में कुछ आधारभूत बातों पर विचार करेंगे। क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, क्या कारण है? आज उन कारणों को हम जानेंगे कि कारण क्या है। पहला कारण है, हमारा उद्देश्य गलत होता है। जब आप 4:3 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तुम मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जीवन में जो बात हमको सीखना चाहिए वह यह है कि हम इस बात में अंतर कर सके कि वास्तव में हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी मांगे क्या हैं। अक्सर जो हमारी मांगे हैं उन्हें हम अपनी आवश्यकता समझ लेते हैं। जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। वास्तव में यह जरूरी नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर की दृष्टि में उचित हों। हम में से शायद हर कोई चाहता है कि हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बहुत सी सुख सुविधाएं हो, परंतु हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी मांगे क्या हैं, इनमें अंतर करना सीख जाए तो निश्चय रूप से यह पता चलेगा कि हम अपने स्वार्थों को मांग बनाकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर हमारे दिल को देखने वाला परमेश्वर है, वह हमारे दिल को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए यह तो प्रमुख है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर उससे भी प्रमुख यह कि किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उससे प्रमुख बात यह है कि आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दया करो तो हर्ष से करो, दान दो तो उदारता से दो, पोहनाई करो तो उत्साह से करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है। योना नबी की पुस्तक के 2 अध्याय को यदि हम पढ़ें तो पाएंगे कि वह मगरमच्छ के पेट में प्रार्थना, मगरमच्छ के पेट में क्या कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, यदि मैं और आप मैं से कोई मगरमच्छ के पेट में होते तो घुटनों पर जाते और कहते कि हे हमारे परमेश्वर, किसी भी प्रकार से हमको यहां से निकाल दे, हम तेरा गुणानुवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, हम सब कुछ तुझे दे देंगे, हमें किसी प्रकार से इस समुद्र के तल में से, मगरमच्छ के पेट में से। परंतु योना की प्रार्थना बड़ी भिन्न थी, उसकी प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना थी। 9 पद में कहता है, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलि दान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी है उसे मैं पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। उद्धार यहोवा ही से होता है। संपूर्ण प्रार्थना में कहीं भी योना की व्यक्तिगत आवश्यकता का उल्लेख नहीं मिलता है मेरे प्रियो, पर वह परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की महानता को सराह रहा है। उसकी प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना हो रही है, उसकी स्वयं की जो आवश्यकता है वह गुण के शून्य हो गई है। वह योना प्रार्थना में इतना विलीन हो जाता है कि उसके मुख से केवल परमेश्वर के लिए गुण अनुवाद और धन्यवाद, आदर और महिमा निकलती है और कुछ भी नहीं निकलती है। इसलिए याकूब कहता है 4:3 में, मांगते तो हो पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में ही उड़ा दो।
अपने ही भोग विलास में क्या कर दो, उड़ा दो, और कुछ भी नहीं। दूसरी जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत खूबसूरत है, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारे मन में दुर्भावना और कटुता है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यदि हमारे मन में क्या है, दुर्भावना और कड़वा भरा हुआ है, कड़वा बोलने का, तो हमारी प्रार्थनाएं क्या होंगी, नहीं सुनी जाएंगी। भजन संगीता नाम की किताब और उसके 66 अध्याय और उसके 18वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि मन में मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ध्यान दीजिए, यदि मन में बुरी चीजें भरी हुई हैं तो परमेश्वर क्यों कर सुनेगा, नहीं सुनेगा। यदि मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता, किसी के लिए किसी के लिए षड्यंत्र रचता तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। भाई से अगर बैर है तो पेट भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी, भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 23 और 24 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यदि हमारे मन में दुर्भावना है तो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देख सकते हैं, उनका सीधा संबंध परमेश्वर से हो सकता है, उनका सीधा संपर्क परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। यदि हमारे मन में कटुता है, दुर्भावना है, जलन है, बुराइयां हैं, गलत विचार हैं, षड्यंत्र हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, उन गलत बातों को अपने जीवन से, गलत षड्यंत्र को अपने लिए जी रहे हैं तो उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल कर आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तीसरी बात जो है बहुत खूबसूरत है, यदि हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। यदि हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी जाएंगी। यदि हम किसी व्यक्ति का विरोध करें और उसके विरोध में षड्यंत्र रचें, उसकी बदनामी करें, उसके शत्रु हो जाएं और उसके बाद हम चाहें कि वह व्यक्ति हमारा भला करे, तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 15 अध्याय और उसके 7वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसकी आशीष की कोई सीमा नहीं है मेरे प्रियो, उसकी आशीष की कोई भी सीमा नहीं है। अनलिमिटेड आशीष देने वाला परमेश्वर है। जकरिया नाम की किताब और उसका 7 अध्याय और उसके 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्हें सुना पड़ा, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं ना सुनूंगा। जब मैंने अपना वचन दिया तो तुमने नहीं सुना, जब तुमने मेरा संदेश नहीं सुना, जब तुमने मेरे वचन का तिरस्कार किया, जब वचन की शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं लिया, तब परमेश्वर कहता है कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर हमको पुकारता है, हमको आवाज़ देता है, अपने वचन की शिक्षा देता है, हमको चेतावनियां देता है, हम नहीं सुनते परंतु उसके बाद भी अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा।
उसकी सुने। हालेलुया, प्रभु की सुने। चौथी बात, आदि हमारी प्राथमिकताएं गलत हों तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर और उसके राज की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले परमेश्वर को खोजो, पहले प्रार्थना, उसके बाद में दूसरा काम। पहले वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी उसकी आशीष से प्राप्त करना चाहते हैं, और तब हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्मरण आता है। पहले हम सांसारिक वस्तुओं को खोजते हैं और फिर सोचते हैं कि धर्मी बन जाएंगे। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, जब रिटायर होंगे तो परमेश्वर का भजन करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे, जो भी सेवा हमसे हो सकेगी उसे करेंगे। वास्तव में हमारा चिंतन उल्टा हो जाता है, हमारा चिंतन उल्टा हो जाता है, हमारी प्रार्थनाएं उल्टी हो जाती हैं। वह कहता है कि पहले तुम उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, उसके राज्य को तो समझो, उसकी धार्मिकता को तो जानो, उसके वचन में तो खोज करो, उसके वचन को अपने जीवनों में उतारो, फिर मेरी प्रतिज्ञाओं के ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उसने वायदा किया है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। याकूब 5:16 में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन है? वह है जिसने उसके राज्य की खोज की है, इसलिए उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, उसकी प्रार्थना के प्रभाव से, जो प्रभु को खोजता है उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हमारी धार्मिकता में कुछ कमी हो, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसकी सुन ली जाती है, दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी नहीं सुनी जाती। परमेश्वर के वचन में उदाहरण है, 2 व्यक्ति मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना करते थे, एक स्वीकार कर लिया गया और दूसरा अस्वीकार कर दिया गया। 2 व्यक्ति भेंट चढ़ाने के लिए जा आते हैं, एक की भेंट स्वीकार कर ली जाती है और दूसरी की भेंट अस्वीकार कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता है, जिसने परमेश्वर को धार्मिकता और उसके वचन की खोज की, उसके लिए परमेश्वर का वचन है कि ये सारी वस्तुएं उसे मिल जाएंगी। धर्मी जन प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि हमारी प्राथमिकताएं गलत होंगी तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। हमारी प्राथमिकताएं गलत होंगी तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए, फिर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको एक एक करके मिलना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। 5वीं बात, यदि हमारा अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार ठीक नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। यदि हमारा अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार ठीक नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। यह बात सुनने में शायद कुछ अजीब सी लगे, परंतु हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि हमारा अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। बाइबल में लिखा है 1 पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यहां पर यह पद पतियों को संबोधित करता है। शायद पति अपनी पत्नियों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, ज्यादा आक्रमण हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं,
जल्दी क्रोध आ जाता है, हो सकता है कि हमारे जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं हो, इस कारण हम चाहे कितनी भी प्रार्थना करें वे नहीं सुनी जाएंगी। यसाया भविष्यवक्ता किताब और उसके 58 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। जब आपस में तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टा करते हो, घूंसे मारते हो और उसके बाद भी यह अपेक्षा करते हो कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, तो यह संभव नहीं है। हमें स्मरण करना है, हमें स्मरण रखना है कि यदि अपने जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। तो जीवन साथी के साथ हम अपने रिश्ते को सही करना आरंभ करें। हालेलुया। छठवीं बात क्या है, यदि हम कंगाल की दुहाई नहीं सुनते तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। यदि हम कंगाल की दुहाई नहीं सुनते तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। नीति वचन में लिखा हुआ है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हो सकता है कि आप कहें कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मैं कलीसिया में आता हूँ, मेरे बच्चे धार्मिकता के विषय में सीख रहे हैं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं वचन की शिक्षा भी देता हूँ और लेता हूँ। हो सकता है आप किसी अच्छे पद पर भी हों, परंतु यदि कंगाल की दुहाई पर आपके कान नहीं लगे हुए हैं तो लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जब पुकारेगा तब उसकी सुनी ना जाएगी। ऐसा व्यक्ति जब पुकारेगा तब उसकी सुनी नहीं जाएगी। आप चाहते हैं कि मेरी सुनी जाए तो आपको भी सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। लास्ट और अंतिम बात सातवीं, यदि हम संदेह करते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। याकूब की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 5 और 8 पद में, याकूब 1 अध्याय उसके 5-8 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लंघना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के हवा के से जो बहती है उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं वचन में, यदि मन में विश्वास नहीं वरन संदेह है, प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु मात्र शब्द हैं, उसमें हमारा दिमाग और दिल नहीं शामिल है, तो वहां पर संदेह होगा, वहां पर विश्वास नहीं होगा। इस कारण से वहां परमेश्वर का काम भी नहीं होगा, वहां परमेश्वर का काम भी नहीं होगा। D.L. मूरी ने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करना नहीं सिखाया, उसने अपने चेलों को काउंसलिंग करने की शिक्षा नहीं दी, उसने अपने चेलों को चंगाई करने के तरीके नहीं सिखाए, परंतु उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना हमारे मसीह जीवन की, हमारे मसीही विश्वास की, हमारे जीवन की गवाही की बुनियाद है। जिस किसी व्यक्ति ने मुझसे बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था, एक बात कही थी, उसकी वह बात मेरे दिमाग में घर कर गई। उस बात ने मेरे दिमाग में बहुत जहर घोल डाला कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वह तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। परमेश्वर भरपूरी से देता भी है, इसलिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में यह बात
बिल्कुल गलत है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमारी निर्भरता किस पर है। हमारी प्रार्थना यह प्रदर्शित करती है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है। परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है और हमारी चट्टान है। उस पर हमारी निर्भरता है, उस पर हमारी आशा है, वह हमारे जीवन का आधार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जीवन का प्रमुख कौन है, हमारे जीवन का प्रमुख कौन है। हालेलुया, हालेलुया। क्या धन हमारे जीवन को संचालित करता है? क्या राजनीतिक लोग हमारे जीवन को संचालित करते हैं? क्या हमारे जीवन की समस्याएं हमारे जीवन को संचालित करती हैं? क्या हमारी मजबूरियां हमारे जीवन को संचालित करती हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह इस बात का प्रदर्शन होता है कि हमारा प्रमुख, हमारा स्वामी, हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात प्रकट होती है कि हमारा विश्वास किस पर है और हमारा विश्वास कितना मजबूत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन में हमारा निकटतम संबंधी कौन है, हमारा संबंध किससे है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया। किसी ने कहा है, अर्थात इस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रार्थना रहित मसीही सामर्थ रहित मसीह है। प्रार्थना रहित मसीही सामर्थ रहित मसीह है। जहां प्रार्थना नहीं है, जिस मसीह के जीवन में, उस मसीह के जीवन में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के सैकड़ों उदाहरण पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को भोजन खिलाया। नाई नगर में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और जो शव यात्रा की थी वह विजय जुलूस में बदल गई। क्यों? वह जवान जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और 4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर निकलाया। मूसा ने प्रार्थना की, सूखी चट्टान से जल का सोता बह निकला। एलिय्याह ने प्रार्थना की और आकाश से आग वर्षी, 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। दानियल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने भूखे सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। यहोशू ने प्रार्थना की और सूर्य ठहर गया। बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि सूर्य थम गया था, समय ठहर गया था। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर की योजना बदल गई। परमेश्वर की योजना बदल गई। मेरे प्रियो, प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभा महाकुंभ की होती है। संपूर्ण महाकुंभ के समय लगभग 2 करोड़ लोग उपस्थित होते हैं। जब भी महाकुंभ होते थे तो या हरिद्वार या हमारे अलग अलग स्थानों पर जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर होते हैं। वहां पर बहुत से प्रार्थना योद्धा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर क्या करते, मसीही कार्यकर्ता जमा होते हैं और वे क्या करते हैं, वहां पर जाकर स्टॉल लगाते हैं। उनके पास पर्चे होते हैं, न्यू टेस्टमेंट होते हैं, बाइबिल होती है। बहुत से प्रचारक थैला ले लटका कर वहां जाते थे, लोगों से प्रार्थना करते थे और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। वे ट्रक्स बांटते थे और साधुओं से चर्चा करते थे। जब
पिछला महाकुंभ, उसके पिछला महाकुंभ हुआ, मसीही अगुए वहां पर गए और उन्होंने कहा कि इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम वहाँ कोई स्टॉल नहीं लगाएंगे, हम एक भी पर्चा नहीं बांटेंगे, हम नया नियम और बाइबल नहीं वितरित करेंगे, हम किसी के पास जाकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे, परंतु हम एक काम करेंगे और वह यह है कि जहाँ कुंभ का मेला होता है वहाँ तंबू लगाएंगे, सारे भारत से 5,000 मसीही योद्धा वहाँ जमा हुए और 50-50 की संख्या में हाथ बांधकर उस कुंभ के मेले के चारों तरफ प्रार्थना करते हुए, जय जयकार करते हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए घूमते गए, चाहे दिन हो रात हो, चाहे बदलती हुई हो धूप हो छांव हो आंधी हो तूफान हो चाहे बारिश हो, पर वहाँ 5,000 मसीही प्रार्थना योद्धा जमा हुए, उन्होंने लगातार प्रार्थनाएं की, उन्होंने लगातार वहां प्रार्थनाएं की। उस वर्ष उस कुंभ के मेले के दौरान कई अजीबोगरीबी घटनाएं हुई वहां पर, जैसे पहले कभी नहीं हुई थी, और लोगों को यह स्वीकार करना पड़ा कि जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस स्थान में ये सब बातें हुई, और तब बहुत तेरे प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने के लिए उन प्रार्थनाओं योद्धाओं के संपर्क में आए। निष्कर्ष यह है कि प्रार्थना की शक्ति जो आज हमारे जीवित हैं, प्रार्थना की शक्ति जो आज हमारे लिए जीवित है, यह प्रार्थना की शक्ति जो दुनिया के किसी भी परमाणु बम से बड़ी है, मसीहों के पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के किसी भी अणु बम और परमाणु बम से बड़ा है। इसका उपयोग करना हमने नहीं सीखा। आज हमारे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है कि हम प्रार्थना करें, आज हमारे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है कि हम क्या करें, प्रार्थना करें। जबकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय और उसके 14 और उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उसके देश को जहां का तहां कर दूंगा, मैं उनके घाव को चंगा करूंगा, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, मेरी आंखें उन पर लगी रहेंगी और मेरे कान उन पर लगे रहेंगे। परंतु यह कब होगा, यह होगा कब, कब होगा यह तब होगा जब मेरी प्रार्थना मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें। प्रभु कहता है मेरी प्रजा के लोग क्या करें, दीन होकर प्रार्थना करें, जो मेरे कहलाते हैं पर प्रार्थना नहीं करते, उनके मन में तो घमंड है, अहंकार है, उन्हें धन का पद प्रतिष्ठा का लोभ है और उसी ओर उनका ध्यान लगा हुआ है, उसी ओर उनका ध्यान लगा हुआ है। परंतु परमेश्वर यहोवा का जीवित वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तब अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान लगे हुए रहेंगे। परमेश्वर हम सबों को अपने जीवन से उन बातों को निकालने की अगुवाई दे कि हाँ जो हमारी प्रार्थना के सुने जाने में रुकावट है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को अपने जीवन में अपने जीवन से उन बातों को जो निकालने की अगुवाई दे जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने जाने में रुकावट है। आज मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो रुकावट है उन्हें अपने जीवन से दूर करो, उन्हें अपने जीवन से हटाओ, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी,
आप प्रार्थना को, वचन को, संगति को महत्व दो, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, आपका स्तर बढ़ेगा, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन, हालेलुया। जो रुकावट हैं उन्हें अपने जीवन से दूर करें, उन्हें अपने जीवन से दूर करें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और आज उन बातों को जांचें, यदि आपका दिल और आपका मन मेरे प्रियो प्रार्थनाओं में नहीं लगता है, आप सिर्फ शब्दों से प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो आप जो बातें आपके मन को विचलित करती हैं उन्हें दूर करें। आइए प्रार्थना करें, निकालें उन बातों को। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हे प्रभु, प्रार्थना करें मेरे प्रभु, जो बातें आपका मन प्रार्थनाओं में नहीं लगता, आपका आपको रुकावट है प्रार्थना करने में, आपको रुकावट है वचन का पालन करने में, आज उन बातों को दूर करें। प्रभु यदि आप कोई चिंता में जीवन व्यतीत करते हैं, या आप धन या स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, या आप किसी चीज़ को, किसी मजबूरी, किसी कमजोरी, किसी आपत में पड़े हैं, आप उसे निकाल दें। प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, मेरे जीवन से उन बातों को दूर कर जो आपकी आवाज़ को सुनने में रुकावट है, आपके वचन को सुनने में, आपकी आवाज़ को सुनने में प्रभु रुकावट है। प्रभु आप मेरी अगुवाही करें, मैं प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकूं, मैं वचन में समय व्यतीत कर सकूं, प्रभु मैं अपना सर्वोत्तम आपको दे सकूं, प्रभु मैं अपना सर्वोत्तम आपको दे सकूं, प्रभु जी अपना सर्वोत्तम, प्रभु मैं आपकी प्रजा कहलाने लायक हो जाऊं, प्रभु मैं अपनी कमाई का दशमांश, मैं अपनी भेंट है प्रभु जी जो आपकी है पिता वो आपको दे सकूं, मैं अपने समय का दशमांश दे सकूं प्रभु जी, मैं लोगों के लिए, मैं भारत के लिए परमेश्वर, भारत के मिशनरियों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने वाला बन सकूं, मैं पिता वो जगह जहां मुझे जाना है उस जगह के लिए मैं तैयार हो सकूं। प्रभु आप आने वाले हैं, प्रभु मैं आपके जीवन जीवित वचन पर मन लगाने पाऊं, हे प्रभु मैं तेरे दर्शन का खोजी बन जाऊं, प्रभु आपसे प्रार्थना है, जितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु आप उनकी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें, उनके हृदय को बदल दे, उनके मन को बदल दे, उनकी सारी रुकावटें दूर कर दे प्रभु, उनका मन प्रभु आपके वचन में लगने पाए, जिनका मन प्रभु वचन में नहीं लगता है, ओ राजा मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका मन आपके वचनों में लगने पाए, वो आपकी आवाज़ को सुनने पाए, जब आप उन्हें को पुकारते हैं वो सुन लें, और जब वो पुकारें तो आप सुन लें, मेरे यहोवा मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, हाँ प्रभु सच में प्रभु जब आप हमारे संग संग होंगे तब हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनी जाएंगी और आशीषें मिलेंगी। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हम अनसुनी आपकी अनसुनी ना करें, आप हमारी सुनते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, थैंक यू जीजस, ओ जीजस हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपनी भेंटों को ले लेंगे हम मेरे प्रिय, उत्तम दान दें हम परमेश्वर को, आप अपने दान को, अपने दशमांश को परमेश्वर की महिमा के लिए और सेवा के लिए अति अवश्य निकालें। आप चाहते कि मैं आशीषित हूँ तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप आराधना में जुड़ते हैं आप अपनी भेंट को जरूर अर्पण करें, जरूर आप अर्पण करें, जब आप अपनी भेंट को अर्पण करेंगे प्रभु आपको आशीष देंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें भेंट के लिए, जो कुछ हमने अपने हाथ में लिया है उसे स्वर की ओर उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आपने आज अपने पवित्र और जीवित वचन के द्वारा हमसे बातें की,
आपका धन्यवाद हो पिता, जो भेंट इस समय प्रभु हो आपके बेटे और बेटियों ने अपने हाथ में उठाई है, हे परमेश्वर उसे ग्रहण कर, और जो उनके पास देने के बाद बच गई है उस पर तेरी अपरंपार आशीष हो पिता, उनके अन्न उनके जल पर आशीष हो, किसी वस्तु की कोई कमी और घटी ना हो प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह, आप ही हैं प्रभु जी हर एक कमी और घटी को पूरा करने वाले और आशीष को देने वाले परमेश्वर हैं, और कोई नहीं है। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, प्रार्थना और विनती सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आप चाहें तो अपनी भेंट को पेटीएम और फिर पेफोन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम एक गीत गाएंगे। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ही ले लो। मंगल में प्रभु तो है, करुणा में यीशु तो है। मंगल में प्रभु तो है, करुणा में यीशु तो है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मेरे, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हीं ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हीं ही ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रख ले प्रभु तेरे चरणों में, रख ले प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवा अपनी जान। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ही ले लो। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। कितना महान प्रभु तेरा ये प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ही ले लो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें आज के दिन के लिए, कि परमेश्वर पिता ने सच में आज हमें ब्लेस किया है अपने वचन के द्वारा। इसलिए हम परमेश्वर पिता को, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसके पवित्र नाम की हम स्तुति करें। आज हमें उसने बहुत ही सुंदर समय दिया कि हमने परमेश्वर के वचन में, आराधना में, स्तुति में समय बिताया। इसलिए हम उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। हालेलुया, अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करें, अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करें। उसने हमें स्वस्थ और चंगा किया है, इसके धन्यवाद करें। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए उसका गुण अनुवाद करें। हालेलुया, उसने हमें दलदल से कीच से निकाला है, इसलिए उसको धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद हो, यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, यहोवा ईरे आपका धन्यवाद हो, यहोवा रफा आपका धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर आप हमें आशीष देते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपकी आशीष, आपकी दया और आपकी करुणा तमाम लोगों पर बनी रहने पाए। खुदावन धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और अधिकार और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह विश्वास करने वालों के प्रत्येक के साथ होता रहे। सब कहें आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, फेस लो प्रभु आपका आशीष दे, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, फेस लो, सबको आपके परिवार की रक्षा करे, सबको जय मसीह की, फेस लो प्रभु आपका आशीष दे, परिवार को भी, सबको जय मसीह की, फेस लो।